बिहार पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी में ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता में न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी की जाएगी और ऐसी संभावना है कि 5 सेंटीमीटर तक की कमी की जाएगी। नीतीश कुमार जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसा फैसला कीजिए, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी शारीरिक दक्षता में न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी कीजिए। आप सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी एक साथ कर दीजिए, ताकि किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी को ये न लगे कि उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि बिहार पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी में ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता में न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी की जाएगी और ऐसी संभावना है कि 5 सेंटीमीटर तक की कमी की जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला है नीतीश कुमार जी का, स्वागत योग्य फैसला है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इसकी मांग महिला अभ्यर्थियों द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही थी। साथ ही नीतीश कुमार जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसा फैसला कीजिए, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी शारीरिक दक्षता में न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी कीजिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जब आप 35% महिला आरक्षण का लाभ सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को एक साथ दे रहे हैं, एक समान दे रहे हैं, तो फिर आप जब न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी करने की बात आई तो आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को अछूता क्यों बना रहे हैं? आप सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी एक साथ कर दीजिए, ताकि किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी को ये न लगे कि उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी एक साथ कर दीजिए, ताकि सभी महिला अभ्यर्थी खुश रहें और किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी को ये न लगे कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। आप हरियाणा यूपी में देख लीजिए, हरियाणा और यूपी का अगर हाइट देखिएगा तो यहाँ की तुलना में ज्यादा हाइट होता है वहां के लोगों का, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। इसलिए आप पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा में भी कमी कर दीजिए, क्योंकि पुरुष अभ्यर्थी भी इस चीज की मांग लगातार कर रहे हैं। आप महिला अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही आप सभी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, ईबीसी सभी कैटेगरी में आप एक साथ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ ना कुछ, चाहे जितना ही संभव हो, कुछ ना कुछ न्यूनतम ऊंचाई सीमा में आप कमी कर दीजिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आप न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी कर रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपसे ये मांग कर रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आप न्यूनतम ऊंचाई सीमा में कमी कीजिए, ताकि किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी को ये न लगे कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।